ऐसी डिश कौन नहीं खाना चाहता जो कि हेल्थ में भी भरपूर हो और टेस्ट में भी भरपूर हो। तो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ फ्रूट रायता, जो कि टेस्ट में भी भरपूर है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फ्रूट रायता बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो फ्रूट रायता बनाने के लिए मैंने 4 कप दही लिया है। दही में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको पतला कर लिया है। आपके पास भी अगर दही गाढ़ा हो तो उसको थोड़ा सा पतला कर लें। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच शुगर। दही ज़्यादा खट्टा हो तो आप शुगर की क्वांटिटी दही के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक लेना है। नमक से इसका जो मीठा है वो बैलेंस में रहता है। 1/2 टीस्पून में ये रोस्टेड जीरा डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून रायता मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको साइड में रख देंगे क्योंकि हम फ्रूट रायता बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ फ्रूट कट कर लिए हैं। तो उसमें मैंने लिया है ये एप्पल, एप्पल को मैंने बारीक कट कर लिया है। कुछ थोड़े से अंगूर लिए हैं, अंगूर के भी मैंने दो दो पार्ट कर लिए हैं। और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज, ऑरेंज के मैंने बीज निकाल लिए हैं, और अनार और चीकू। अब इन सबको हम रायते में मिक्स कर लेंगे। फ्रूट आप आपकी मनपसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो जो भी फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रायते में। ये हमारा फ्रूट रायता रेडी है। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं इस पर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाल रही हूँ, और हम इस पर थोड़े से अनार के दाने गार्निश करेंगे।